नेपाल की राजधानी काठमांडू में आज एक बड़ा विमान हादसा हो गया। इस हादसे में 5 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्लेन क्रैश हो गया। इस विमान में 19 लोग सवार थे, जिनमें से 5 लोगों की मौत की खबर है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक बुधवार काठमांडू में एक एयरपोर्ट पर हुए विमान हादसे में मारे गए 4 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक सौर्य एयरलाइंस का विमान 19 लोगों को लेकर पोखरा जा रहा था, तभी उड़ान भरते समय यह हादसे का शिकार हो गया। घटनास्थल से सामने आए वीडियो में एयरपोर्ट पर धुएं के गुब्बारे के साथ भीषण आग देखी जा सकती है।